एचडीएफसी बैंक ने नपीकी से त्रस्त किसानों को जब्ती के नोटिस देने पर किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर बैंक के खिलाफ आक्रोश दर्शाया। इन किसानों की खेती उपज 20% भी नहीं हो पाई। ऐसे हालात में बैंक ने इनके नाम कर्ज मुक्ति के लिए देने की अपेक्षा की गई थी, जो कि बैंक ने नहीं की। उल्टा इन संकटग्रस्त किसानों को जब्ती के नोटिस दिए जा रहे हैं। इन किसानों ने बैंक से कर्ज लेने के लिए अपने खाते कहां किए थे, लेकिन बैंक ने इन किसानों के वाहन और घर के सामान पर भी जब्ती निकालने से किसानों ने आक्रोश जताया है। सन 2013-14 में वडनेर परिसर के करीब 50 गाँव के किसानों को ज्यादा कर्ज देने की लालच देकर उनके खेत गहन करके कर्ज दिए। कर्ज देते समय इन किसानों की मर्जी के खिलाफ कर्ज की रकम से फसल बीमा और जीवन बीमा की रकम भी जबरन वसूल कर ली। इसके बावजूद इन किसानों ने 2016-17 तक कर्ज के हफ्ते भरे, लेकिन इसके बाद नापीकी और अकाल गिरने से इन किसानों को कर्ज का हफ्ता भरना नहीं हुआ। इस पर बैंक ने इन लोगों के घर जाकर हफ्ता भरने के लिए ताकदाल लगाया। इन किसानों के घर जाकर उन्हें अपमानित करने के साथ महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करने से भी बाज नहीं आए। इतना ही नहीं, कुछ कर्ज वसूलने गए अधिकारी ने तो कर्ज भरो नहीं तो खुदकुशी करो ये कहने पर भी संकोच नहीं पाया। लेकिन किसान नापिकी और अकाल की वजह से कुछ नहीं कर पाया तो बैंक ने जब्ती की नोटिस भेजना शुरू कर दी। बैंक ने कर्ज हिंगनघाट शाखा से दिया और मुंबई कोर्ट से जब्ती की नोटिस दी गई। जो किसान कर्जे के हफ्ते भरने के लायक नहीं रहा वो मुंबई कोर्ट जाएगा कब और मुकदमा लड़ेगा कब, ये सवाल उठ खड़ा हो गया। इस बीच सरकार ने इन संकटग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 2 बार कर्ज माफी दी, लेकिन इन बैंक अधिकारियों ने इन संकटग्रस्त किसानों के नाम जो इस लाभ के लिए जायज होने के बावजूद कर्ज माफी के लिए नहीं दिए। अब इन किसानों को कर्ज भरने के लिए और कर्ज ले या परिवार का भरण पोषण करे या खुदकुशी करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन कठिन परिस्थिति से राहत दिलाने की मांग इन किसानों ने की है। HDFC बैंक कडून आम्ही गेल्या 2014 मध्ये कर्ज उचललाय, त्या कर्जाची परतफेड आम्ही टप्प्याटप्प्याने करण्याला सुरुवात केली आणि नापिकीच्या काळामुळे कारणास्तव आम्हाला कर्ज भरण्यास आम्ही अयोग्य ठरलो, त्याच्यामुळे कर्ज आजपर्यंत आमचं भरण्याची कुवत नव्हती। तरी आता गेल्या 4 दिवसात HDFC बँकेने आमच्यावर जप्तीचे नोटीस आणलेलं आहे आणि ते नोटीसमध्ये व्हेइकल अथवा फ्रीज असं काही सामान उचलून नेण्याची धमकी दिली आणि ते भरण्यास आम्ही आता कर्ज आम्ही HDFC बँक हिंगणघाट शाखा यांनी आम्हाला 2 वेळा कर्जमाफी होऊन सुद्धा आम्हाला कर्जमाफीमध्ये यांनी आमचं नाव समाविष्ट केलं नाही आणि शासनाला आमची कुठलीही यादी यांनी कर्जमाफीसाठी पाठवलेली नाही। म्हणजे शेतकऱ्यांना एक प्रकारचं बेजबाबदारपणा शेतकऱ्यासोबत या बँकेने केलेलं आहे आणि या बँकेने आता शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवलेलं आहे। म्हणजे संपत्ती जप्ती, एक तर यांनी आपली शेतजमीन गहाण करून ठेवलेली आहे, गहाण करून ठेवलेली असताना संपत्ती जप्तीमध्ये यांनी कुठले व्हेइकल आहे किंवा घरच्या वस्तू आहे त्या, आज शेतकऱ्याचं 20%सुद्धा पीक त्यांच्या हाती ह्यावर्षी आलेलं आहे, ह्यावर्षी 20% पीक हाती न येता सुद्धा हे संपत्ती जप्तीचे नोटीस शेतकऱ्यांना देत आहे आणि याच्या शेतकऱ्यांनी आता मरावं की जगावं ही परिस्थिती आज शेतकऱ्यासमोर उभी झालेली आहे। ह्या याच्यामध्ये आज शेतकरी आपल्या मुलांना किंवा BCN News के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।